हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन, राइट। हम इससे पहले एक डिस्कशन किए थे, द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज ए सीरियस वन, राइट। मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप एंड द सिक्योरिटी काउंसिल में कौन नॉन मेंबरशिप बन के रहेगा और कौन मेंबरशिप बन के रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कल, वीटो पावर्स कौन कौन सी कंट्री की हाथ में है, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। खैर, देखते हैं फिर आज के जो टॉपिक है क्या कहता है। देर आर मोर सब्सटेंशियल इश्यूज बिफोर द वर्ल्ड एज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। द हेड्स ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स मेट द सेप्टेम्बर 2005 टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो 60 ईयर्स, जब यूएन की 60 ईयर्स कंप्लीट होने पर 1945 से शुरू होकर 2005 तक ये 60 ईयर्स की एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया जा रहा है। उसी दौरान की सिचुएशंस रिव्यू करने के लिए का भी एक मीटिंग बुलाया गया है। द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द इवेंट मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे रिफॉर्मेशन चल रहा था, यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग चल रहा था, राइट। तो आज हम इस ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की 2005 में जब 60 ईयर्स की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान रिव्यू चल रहा है बहुत सारे सिचुएशंस के, और यहाँ के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स एक मीटिंग में एक सम स्टेप्स डिसाइड करते हैं। That is, first one is creation of peace building commission. Creation of peace building commission की एक गठन किया जाए। Next, acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national governments to protect their own citizens from atrocities. अगर responsibility हम लेंगे, जब international community यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जब कोई भी एक नेशनल गवर्नमेंट अगर अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एट्रोसिटीज़ के दौरान, राइट। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006, वो शुरुआत हुई थी ह्यूमन राइट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट की भी बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट, agreements to achieve the millennium development goals, ye bhi ek point tha. Another point, condemnation of terrorism in all its forms and manifestation. Condemnation of terrorism, ye bhi ek another important point. Next point, creation of democracy fund, creation of democracy fund. Next, an agreement to wind up the trusteeship council. ये जो पॉइंट्स हमने बात की, राइट, नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7, दिस 7 पॉइंट्स में बात की। 7 पॉइंट्स में ऑलरेडी हमने लास्ट क्लासेस में हमने बात की, कोफी अनन बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने दिए कि किस तरह से यूएन स्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मेशन लाना चाहती है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट शुरुआत हुई, right? What should peace building commission do? There are many number of conflicts all over the world. बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि पीस बिल्डिंग कमीशन जो होगा वो क्या करेगा, कितने तक काम करेगा, कहाँ इंटरफेयर करेगा और कहाँ नहीं करेगा, ये और एक क्वेश्चन था। इट इज़ पॉसिबल फॉर इवन डिजायरेबल फॉर इट्स इंटरवेन, राइट, इन ईच एंड एवरी कन्फ्लिक्ट। क्या ये ईच एंड एवरी कन्फ्लिक्ट, कहीं भी अगर कोई देश और दूसरे देश के साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या इमीडिएट वहाँ पे यूएन इंटरवेन करेगा या नहीं करेगा, राइट। सिमिलरली, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द डीलिंग विद एट्रोसिटीज, व्हाट एवर ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड द सोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड। और एक क्वेश्चन हुआ यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं कोई एक अगर कंट्री
एक एट्रोसिटी के साथ डील नहीं कर पा रहा है, अगर उनके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है एट्रोसिटीज़ में, तो कितने दूर तक इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका डील कर रही है। एंड ह्यूमन राइट्स अगर वायलेशन हो रहा है, राइट, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड, कि कहाँ, कब, कैसे किया जाएगा, गिवन दैट सो मेनी कंट्रीज आर स्टिल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। How realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the Millennium Development Goals? जो Millennium Development Goals होते हैं यहाँ पर, ये तो ठीक है कि बहुत सारे countries जो हैं वो developing period में हैं, वो developing countries में हैं, क्योंकि अभी तक जो after the independence बहुत सारे countries लड़ाई करते हैं, economic लड़ाई, वो डेवलपिंग में है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं, राइट। सो इसको किस तरह से अचीवमेंट कर पाएगा मिलेनियम डेवलपमेंट को? देर कैन बी एग्रीमेंट ऑन द डिफिनेशन ऑफ टेररिज्म। हाउ शल द यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी? अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहता है यूएन, तो किस तरह से यूज करेगा उनके फंड्स को? और अगर टेररिज्म, राइट, टेररिज्म अगर फैल रहा है, तो उसके साथ किस तरह से फाइट करेगा और किस तरह से एग्रीमेंट कर सकता है, एंड सो ऑन। ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जिस्ट करते थे, और अभी जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसी में भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन काम करना क्या है कि किस तरह से अपने ज्यूरिडिक्शन में रख के इन सारे चीज़ों को डेवलपमेंट फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट, राइट, इवन देर आर 7 डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ द यूएन विल गो एंड हाउ वी दैट प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट और प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन कुड ब्रिंग बाय द यूएन दैट वी विल स्टडी, राइट। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।